नमस्कार। एक 10 साल की बेटी जिसको पैसे जमा करने की, आपने देखा होगा अक्सर आदत होती है बच्चों को गुल्लक में पैसे जमा करने की, तो उस 10 साल की बेटी ने जब अपनी गुल्लक तोड़ी तो उसमें उसने जब टोटल गिने तो उसमें 490 रुपए थे। वो दौड़ी दौड़ी अपने पिताजी के पास गई कि पिताजी मेरे गुल्लक में से 490 रुपए निकले हैं लेकिन मेरे पास 10 रुपए की कमी है। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, इसमें उदास होने की बात नहीं है, मैं तुझे अभी पैसे देता हूँ। लेकिन जब पिताजी ने अपना पर्स चेक किया तो उसमें 10 रुपए नहीं थे, तो उन्होंने बेटी को 100 रुपए दिए। बेटी ने 100 रुपए लिए लेकिन कहा पिताजी 10 रुपए की अब भी कमी है। पिताजी ने एक और 100 रुपए दिए। बेटी कहती लेकिन पिताजी 10 रुपए की अब भी कमी है। अब अगर आप इस एक्चुअल सिचुएशन के बारे में सोचें तो जो हम में से समझदार लोग हैं वो यही कहेंगे कि अब उसके पास एक्चुअली तो 190 रुपए ज्यादा हैं, पर वो अभी भी सोच रही है कि उसके पास 10 रुपए कम है। और हम में से कई ऐसा भी सोच सकते हैं कि देखिए जी, लालच की कोई सीमा नहीं है, ये 99 का चक्कर है, ये तो सारी जिंदगी के कष्ट का कारण ही यही है। लेकिन इसमें एक एंगल और है। यदि हम सोचें कि 10 रुपए की कमी उस लड़की को महसूस होती है, उसकी जरूरत थी एक राउंड फिगर पूरा करने की, उसकी उस राउंड फिगर को पूरा करने के लिए पिताजी को, क्योंकि उस वक्त उनके पास चेंज नहीं है, तो उनको कहीं बाहर जाकर चेंज लेकर आना था, जिसमें उनको कुछ शारीरिक मूवमेंट भी करना पड़ता, शायद कुछ कष्ट होता। लेकिन पिताजी के लिए उसकी बजाय 100 रुपए का नोट देना ज्यादा आसान है। और हम सोच रहे हैं कि लड़की की अकल कम है या लालच ज्यादा है, तो आप सोच के देखिए, आप और मैं भी अपनी जिंदगी में कई बार ये गलती नहीं करते कि हम सामने वाले को देते तो हैं लेकिन हम कई बार वो नहीं देते जो उसकी जरूरत है, हम वो देते हैं जो हमारे लिए देना आसान है। वी डू नॉट गिव व्हाट इज एक्चुअली नीडेड, वी गिव व्हाट इज कन्वीनियंट फॉर अस टू गिव। अब हो सकता है हम में से कई लोग हैं जो अपने बड़े महंगे महंगे खिलौने या महंगे महंगे गिफ्ट अपने परिवार वालों को देते हैं, वो बहुत आसान है हम में से कईयों के लिए, लेकिन अगर वो हमारा समय मांग रहे हैं या वो एप्रिसिएशन मांग रहे हैं, वो शायद हमारे लिए देना उतना आसान नहीं है। तो आप सोचिए कि आप अपने आसपास के लोगों को क्या वो दे रहे हैं जो उनकी जरूरत है, या वो दे रहे हैं जो देना आपके लिए आसान है। थिंक अबाउट इट।